अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बीबी फातिमा हॉल का जो हमें अलॉट हुआ है रूम, तो हम उसका रूम टूर देंगे आपको। और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, थोड़ी सी होगी। तो चलिए दिखाते हैं और शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रिपल सीटर रूम, जबकि तीन लोग अलॉट होते हैं इसमें, लेकिन अभी फ़िलहाल हम दो लोग हुए हैं। तो शुरू हम इधर से करते हैं जो जस्ट सामने है हमारे डोर के। तो ये कुछ ऐसा है, ये वाला तीसरा हमारे पास टेबल है जो कि एक्स्ट्रा है। तो इसको हम दोनों ने यूज़ किया है और अपने अपने सामान जो दोनों रोज़ यूज़ करते हैं वो रख दिया है। इसको इस्तेमाल हम यही करते हैं इस फ़िलहाल के लिए। और फिर यहाँ हमने अपना नमाज का वो बनाया हुआ है एक एरिया कि हम यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। और ये रहा एक विंडो, हमारे रूम में दो विंडो है। और ये जो इसके कर्टेन है ये हम लोग को वहीं से प्रोवाइड होते हैं, यहीं से प्रोवाइड होते हैं। और फिर ये रहा मेरी रूममेट का बेड, फायज़ा का बेड, फिर उसके बाद फायज़ा का टेबल, ये मेरा बेड और ये मेरा टेबल। बेसिकली रूम इतना ही बड़ा है, ये ट्रिपल सीटर है लेकिन हम दो लोग हैं इसमें। और तो शुरू कहाँ से करें, तो इस रूम में दो चीज़ें हम लोग को ट्यूबलाइट, एक ये ट्यूबलाइट दी गई है और एक इधर ट्यूबलाइट दी गई है जो पहले दिन से ख़राब है। और जितने होल्डर लगे हुए हैं सारे इसमें हम अपने लगा सकते हैं बल्ब। तो मैं, मेरी साइड ख़राब हुआ है तो मैंने एक बल्ब लगा दिया ख़रीद के, बाकी ये अब इलेक्ट्रिशियन ठीक करेगा। और ये इधर, ये हम लोग ने अपनी वॉल के लिए वॉल स्टिकर ख़रीदा था ताकि थोड़ा ठीक लगे रूम, और इस पर लगाया है। तो ये फायज़ा की टेबल है, वो अपने पढ़ने के लिए इस्तेमाल करती है। और ये सारी उसकी चीज़ें हैं जो वो यूज़ करती है। और ये मेरी बेड है और ये मेरी टेबल और चेयर है, ये मैं जो यूज़ करती हूँ। और ये मैंने लगाया अपना टाइम टेबल। टाइम टेबल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे ना कोड में दिया रहता है सब पेपर वेपर, तो टेबल ऐसे लगा ली और डिटेल में लिख ली। और ये कुछ स्टिकी नोट्स लगाएं क्योंकि मुझे पसंद है करना, और जिसको मैंने लिखा है करीब से दिखाती हूँ। ये है पहला वाला, ये मैंने कहीं से उठाया है और वो है तर्जुमे की बुक से। ये लिखा हुआ है, तुम लोगों से नेक काम करने को कहते हो और अपने आप को भूल जाते हो। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं खैर जो ये काम करते हैं। दूसरा है इन्नल्लाह मा साबरीन, हर जगह सब्र के साथ काम लेना ज़रूरी पड़ रहा है। और तीसरा है रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। और ये कुछ इंटरेस्टिंग, ये फोकस नहीं हो रहा है। पहला है चेजिंग अट्रैक्टिंग में फ़र्क, द पावर ऑफ मोमेंटम, और ये डू इट, कुछ भी हो जाए करो, मरो करो लेकिन करो, है ना। तो अभी ये मैं और लगाऊंगी, जैसे जैसे छुट्टियाँ होंगी मैं इसको और डेकोरेट करूंगी क्योंकि फ्री टाइम पे मुझे अच्छा लगता है करना। और दूसरी चीज़ ये है, ये मैंने यहाँ की लाइब्रेरी से मतलब रीडिंग रूम से लिया है तर्जुमे कुरान, और एक बुक, ये बुक है द मिसअंडरस्टूड रिलीजन, ये दो पढ़ रही हूँ। और ये जो कोट्स लगाया मैंने ये तर्जुमा कुरान से ही, मुझे अच्छा लगा तो मैं लगाई हूँ। और बाकी ये सारी चीज़ें मेरी, तो इसमें क्या बताना। और हाँ, और हमें साथ में मिली है, और एक कॉर्नर, ये इसका कुछ यूज़ नहीं है तो इससे छुप जाता है, मतलब सामने वहाँ से कोई आए तो ये चीज़ छुप जाती है। तो इधर हम लोग ने अपनी बाल्टी रख ली है जितनी चीज़ें हैं। और हमें मिली है दो अलमीरा, ये रही, एक फायज़ा ने ले ली, एक मैंने ले ली, और हम लोग जो तीसरा आएगा उसको हम दोनों में एडजस्ट करना होगा। और अलमीरा में बहुत ही स्पेस है, मतलब अच्छे सब हो जा रहा है, दिखाते हैं। ये रही पूरा ये स्पेस इतना कवर कर रहा है, मतलब बहुत अच्छी खासी जगह है। लेकिन और क्या मैं बोलूँ, इतना ही था हमारा रूम टूर। तो और हाँ, अच्छा जब पहले ना हो तो सबसे बड़ी दिक्कत रहती कैसी रूममेट मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत अच्छी मिली है क्योंकि हम बहुत अच्छी मिली, सही है वो, शी इज़ अ कंटेंट राइटर, है ना, और या यू कैन से दैट ब्लॉगर,
एंड आई एम ब्लॉगर, तो हम लोग एक दूसरे को रिलेट करते हैं और एक दूसरे को साथ देते हैं. मतलब अच्छा है ओवरऑल, मतलब मज़ा आती है, हम लोग एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं. तो एक जो डर था कि रूममेट कैसी होगी, वो ख़त्म हो गया. रूममेट बहुत अच्छी है. और हम लोग ने सर, दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैं हमेशा अकेले रहती आई हूँ रूम में, मतलब ऐसे तो, लेकिन किसी से रूम शेयर करके ये समझ आई मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर अगर कोई दो लोग साथ में रह रहे हैं, किसी एक में कोई कमी है, तो दूसरे से वो सीख के उस कमी को फुलफिल करता है. तो ऐसे एक लर्निंग प्रोसेस चलती है, तो एक दूसरे की कमी को भरना ऐसे चलता है. तो वो सीखने को मिल रहा है, मज़ा आ रही है, अच्छा लग रहा है. तो या मतलब जब रूममेट अच्छा मिल जाए, फिर तुम मतलब फ्रेंडशिप अच्छी हो जाए, तो फिर तुम्हें किसी और से ना इतना वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो मेरी पड़ोसी भी अच्छी हैं, रूममेट भी अच्छी हैं, सब अच्छे हैं. तो या सीखने को मिल रहा है, कहीं उससे मैं सीखती हूँ, वो मुझसे सीखती है, ऐसे चलती रहती है लाइफ. तो इतना ही था हमारा रूम टूर, आई होप यू लाइक इट. तो हॉस्टल का रूम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, जब आए थे तो वो तो देखा ही था, मैंने वीडियो डाली थी तब कैसा था, अब हम दोनों कोई परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. और ये मैट और वाइपर हम लोग को ख़रीदना पड़ा, कुछ चीज़ें ख़रीदनी पड़ी जाहिर सी बात है. लेकिन यहाँ पे अलमीरा देते हैं, बेड है, चेयर है, टेबल है, कर्टेन है, लाइट, मतलब सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट.